आज मैं आपको एक दिन का वेट लॉस डाइट प्लान बताऊंगी। ये वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो करने से पहले पहले तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, और उससे पहले जैसे आप सुबह उठे, आज आपको डाइट प्लान फॉलो करना है, तो उससे पहले आप अपने बेली एरिया पे फीता रख के उसको नाप लेंगे। जितनी भी काउंटिंग आती है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद डाइट प्लान बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनेंगे, और इसके लास्ट में ये डाइट प्लान बताने के बाद में दो स्टेप आपको बताने वाली हूँ जो कि जरूर आपको फॉलो करने हैं इस पूरा दिन, नहीं तो डाइट प्लान का कोई फायदा नहीं रहेगा, मतलब इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना दो स्टेप अगर आप फॉलो करते तो मैक्सिमम आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक दिन का डाइट प्लान फॉलो करने से आपको फायदा क्या होने वाला है, किस लिए मैंने बनाया है, किस लिए आप फॉलो करेंगे? जी हाँ, एक दिन के वेट लॉस डाइट प्लान को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका 1 इंच घट जाएगा। जी हाँ, आप यकीन के साथ, पहले यकीन मानना तो पड़ेगा ही, फिर उसके साथ आप अच्छे से फॉलो कर लिए, और फिर अगले दिन आपको दोबारा से मीजर करना है अपना बेली एरिया, और फिर मुझे बताना है कमेंट करके कि आपने कितना लॉस किया या नहीं किया। वैसे तो मैंने इसी तरीके से बनाया कि आप जरूर लॉस करेंगे, मैंने खुद पहले अपने ऊपर ट्राई किया, जब मैंने लॉस किया तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। तो जल्दी से सुन लीजिए, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो जो मैं बताती हूँ उसको नोट करते जाइए, और जो दो स्टेप लास्ट में बताऊंगी उसको ध्यान से सुन लेना, और उसके साथ ही डाइट प्लान को फॉलो करना, नहीं तो रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलेंगे, 50% ही मिलेंगे अगर कुछ भी आपने मिस किया। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। सुबह उठना है आपको 2 ग्लास गर्म पानी पीना है, ये तो आप करते ही हैं, 2 ग्लास गर्म पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश होने जाना है, उसके बाद जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले या बाद में आपकी जो मर्जी है, आप अपना बेली एरिया नाप लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया। चलिए जी सुबह शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या लेना है, 1 ग्लास लौकी का जूस। जी हाँ, अगर आप लौकी का जूस नहीं ले सकते तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पेठे का जूस, जिनके एरिया में पेठा मिलता है वो पेठे का जूस ले सकते हैं। अब ये आपका किस टाइम रहेगा, टाइम आपका 7 या 7:30 तक रहेगा, इसके बीच में आपको ले लेना है। अब 8 बजे, क्योंकि आधे घंटे में फिर से आपको भूख लग जानी है, 8 बजे आपको क्या लेना है, एक इतना बाउल मीडियम साइज का पपीता काट के लेना है। इसके साथ में एक नाशपाती, बड़ी है तो एक ले लीजिए, बहुत छोटी छोटी हैं, क्योंकि छोटी छोटी भी आ रही हैं तो 2 ले सकते हैं, बब्बू घोसा भी ले सकते हैं अगर आपको नाशपाती नहीं मिल रही है, बस ये खाना है आपको। अब ये 8 बजे तक आपका पूरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है, आप कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कोई चाय कॉफी इसके बाद बिल्कुल नहीं, ब्रेकफास्ट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब 9 बजे 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है 9 बजे के बाद। फिर 10 बज जाते हैं, 10 बजे भी आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, 2 गिलास आपके गर्म पानी के हो चुके हैं 10 बजे तक। 10:30 बजे आपको अगर बहुत तेज भूख लगे तो 5 भीगे बादाम और 10 किशमिश लेने हैं। अब 11:30 बजे या 12 बजे फिर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, 12 बजे तक का आपका ये कंप्लीट हो चुका है पानी का भी, 3 गिलास आपके पानी हो चुके हैं सुबह से लेके दोपहर तक। अब 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद आप अपने खाने की तैयारी में लग जाएंगे, और 12:30 बजे आपको 1 बाउल सैलेड लेना है, सैलेड या तो कच्ची सैलेड, आप कोई भी सब्जी काट लीजिए जो भी आपके घर में पड़ी है तो वो खा सकते, कच्ची नहीं खा सकते तो एक काम करिए, बारीक बारीक सब्जियों को काट लीजिए अच्छे से धो के, और एक खाली एक पैन आपको लेना है, सबसे लो फ्लेम रहता है गैस का, उस पर रखना है, कोई पानी कोई ऑयल उसमें नहीं डालना है, डायरेक्ट आप सब्जियों को धो के डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, वो स्टीम में पक जाएंगी, स्टीम में हल्की सी मतलब सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल मुलायम नहीं करना है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद उसको गैस को बंद कर देना है 2 या 3 मिनट के बाद। गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा उसको कवर करके रखिए, ढक करके रखिए, ताकि जो स्टीमिंग है उससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब उसके 2 मिनट के बाद अब उसको खोल लीजिए, उसके अंदर आप कटा हुआ खीरा, टमाटर और प्याज ये बारीक काट के फिर से डालेंगे, और सब्जियों को आपने स्टीमिंग करना है, खीरे को नहीं बोल रही हूँ, टमाटर को नहीं बोल रही हूँ, प्याज को नहीं बोल रही हूँ, सब्जी जैसे लौकी हो गई या फिर कैबेज हो गई या फिर पालक हो गया, जो भी पत्तेदार सब्जी होती है तो उनको कच्चा नहीं खा सकते, तो उनको स्टीमिंग करना है, खीरे को, टमाटर को, प्याज को नहीं, इनको आपको ऊपर से डालना है काट के। अब इस तरीके से डाल के 1 कटोरी बड़ी कटोरी आपने वो सैलेड ले लिया। अब स्वाद के लिए जब आप खाने बैठेंगे हल्का सा आपको नमक छिड़कना है, वो भी काला नमक या सेंधा नमक, ऐसे छिड़कना है चुटकी के साथ में,
बहुत ज्यादा नहीं डालना है, उसको मिक्स करना है। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मिक्स करके आपको अच्छे से खा लेना है। ये 12:30 बजे आपको शुरू कर देना है। इसके बाद आप एकदम से लंच खा सकते हैं, थोड़ा आधा घंटा भी रुक सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लंच में क्या क्या रहेगा, लंच में आपकी एक कटोरी हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी, तोरी होगी, लौकी होगी, कैबेज हो गई, या आपने फूल गोभी बना ली हरी सब्जी, उसमें आलू बहुत ही कम मात्रा में, मतलब 1-2-3-4 टुकड़े होने चाहिए आलू के, अगर जरूरी लगता है आपको, नहीं तो नहीं। आधी कटोरी आपकी दाल रहेगी, आधी कटोरी ही आपके चावल रहेंगे, एक रोटी रहेगी मिक्स विद ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि आपको हरी सब्जी, जब आपने सुबह लौकी का जूस जो बनाया है उसका जो पल्प रह गया था, उसको आपको आटे में मिक्स करना है, आधा आटा और आधा उस हरी सब्जी का जो वो पीछे का बचा हुआ, जिसको वेस्टेज बोल देते हैं, वेस्ट नहीं होता वो, तो उसको मिलाना है, उसकी रोटी बनानी है। एक रोटी, तो इतने से चावल एक रोटी, और जैसे कि आधी कटोरी दाल, एक कटोरी हरी सब्जी, ये आपका पूरा लंच हो गया। इसको आपको अच्छे से खाना है बस। अगर मीठे की क्रेविंग है तो गुड़ की डली लंच के बाद आप ले सकते हैं। आप 2-3 बजे तक आपको और कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है। 3 बजे एक गिलास गुनगुना पानी आपको लेना है। 3 बजे आपने ले लिया, सिर्फ पानी लेना है। अभी 4 बजे आपको गुनगुना पानी ले लेना है अगर लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते, अगर आपको फिर से भूख लग रही है, तो आपको एक काम करना है, एक नाशपाती खा लेनी है। अगर आपका मन नहीं है नाशपाती खाने का, एक केला खा सकते हैं, एक नाशपाती खा सकते हैं, या पपीता खा सकते हैं, फ्रूट में आपकी चॉइस है। 5 बजे जिनको टी की लत है, भाई चाय पीना जरूरी समझते हैं या फिर अंदर से क्रेविंग होती है, तो 5 या 5:30 बजे एक गिलास पानी के साथ, ये ध्यान रखें कि फ्रूट खाए हुए को 1 घंटा हो चुका हो, और उसके बाद आप एक गिलास फिर से गुनगुना पानी लेंगे चाय पीने से पहले, फिर अपनी चाय, ग्रीन टी कुछ भी आप ले सकते हैं उसके साथ, बाकी कुछ नहीं लेंगे। ये नहीं कि फिर से आप काजू बादाम लेके बैठ जाएं, अगर खाना है फिर आधे घंटे बाद खाएं, क्योंकि चाय के साथ हम कुछ भी चीज़ लेते हैं वो अच्छे से पचती नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि चाय के साथ ही ले, चाय आप आराम से बैठ के पिए। अब ये आपका हो चुका होगा 5:30 तक हो चुका होगा। अब 6 बजे 1 घंटे बाद इसके आपको फिर से एक गिलास गुनगुना पानी पीना। पानी की क्वांटिटी भी आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपका अच्छे से वेट लॉस होता है, क्योंकि पानी पीना अक्सर हम भूल जाते हैं। तो इस बीच में भी आपके 2 गिलास पानी हो चुके होने चाहिए रात के खाने से पहले। ये ध्यान रख ले कि चाय के बाद और रात के खाने से पहले, और गैप भी देना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक टाइम पे 2 गिलास पानी पी जाए, कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर दे, और गुनगुना पानी पीना है। अब 7:30 बजे या 8 बजे आप फिर से जो सैलेड आपने दोपहर में बनाया था उसी तरीके से एक कटोरी भर के आप सैलेड लेंगे। उसके बाद आप एक कटोरी हरी सब्जी लेंगे, कोई भी दाल वगैरह, छोले वगैरह रात में नहीं लेंगे, ना चावल लेंगे, और एक रोटी लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रोटी हम रात को नहीं खाना चाहते, तो आप एक कटोरी सूप, सब्जियों का सूप बना के आप ले सकते हैं, और ग्रीन सैलेड जरूर खाएं, उसके बाद सूप पी सकते हैं या फिर एक रोटी खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये आपका खाना 8:30 तक हो चुका होगा, उस तक आपको कंप्लीट करना है, पक्का कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि 10 बजे तक आप अपना डिनर ही खत्म कर रहे हैं, 8:30 तक खत्म करिए। उसके बाद आप आधे घंटे की वॉकिंग करने जाइए, अपनी छत के ऊपर वॉकिंग कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं, आधे घंटे की या 20 मिनट की तो जरूर करिए, हल्के हल्के वॉकिंग करते रहिए। उसके बाद जब 9 बज जाते हैं, अगर आपका दूध या कोई ऐसी ड्रिंक आप पीते हैं, आपका मन है, नहीं तो आप एक गिलास गर्म पानी पी सकते हैं, अगर कुछ नहीं आपका पीने का मन है, लेकिन अगर पीने का मन है तो एक हर्बल टी आराम से पी के 9:30-9:30 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर 10 बजे जब आप सोने जाते, 10 तो बज ही जाते हैं, तो हल्का सा आपको 2-3 घूंट या आधा गिलास ले सकते हैं, अगर ज़्यादा प्यास है 2-3 घूंट आराम से पानी पी के आप सोने चले जाइए। ये पूरा दिन का आपका रूटीन रहेगा। फिर आप अगले दिन जब सुबह उठेंगे, पानी पियेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, फ्रेश होने के बाद फिर देखना है आपने कितना लॉस किया, और मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा जी, अब 2 स्टेप रह गए जो लास्ट में मुझे बताने थे, वो 2 स्टेप बड़े ध्यान से सुना, फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 स्टेप ये है कि जब भी कोई भी आप खाना खा रहे या पानी ही पी रहे हैं, बड़े आराम से करना है, बहुत ही चबा चबा के, जब तक कि वो खाना जो है आपके मुंह में लिक्विड नहीं बन जाता। आपको कम से कम 60 बार चबाना है। लोग तो 32 बार कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ 32 बार में तो
लिक्विड नहीं बनता, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, चबा के देखती हूँ कि कितनी बार सही है। 32 बार में तो हमारा जो खाना अच्छे से नहीं चबता है, वो क्रिस्टल रह जाते हैं। तो इसलिए आपको 60 बार, कम से कम 50 से 60 बार आपको अपना खाना चबाना ही है एक बाइट। और जब आपका लगे खाना चबा चबा खा रहे कि अब मेरा पेट भर गया, चाहे आधी रोटी में भरे चाहे एक रोटी में भरे, सब्जी सारी खत्म करनी है, रोटी चाहे आपकी रह जाए, ठीक है, सब्जी आपको सारी खानी है। तो जब आपको लगे कि पेट भर गया, एकदम से उठ जाए, बिल्कुल भी लालच ना करे कि नहीं ये तो एक रोटी तो खा ही लेती मैं आज, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आपको लगे पेट भर गया, ठीक है, आप उठ जाइए। दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है, टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए, बात करते हुए बिल्कुल आप खाना नहीं खाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना खा रहे हैं, आपका ध्यान उसमें रहेगा। इसलिए अक्सर हम गलती करते हैं, हम ज्यादा खा जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, टीवी देख रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, या किसी और से बातें कर रहे हो, तब आपको खाना नहीं खाना है, आपको ध्यान से आराम से बैठ के खाना खाना है। पानी पीना तो आपको घूट घूट कर, जैसे चाय पीते हैं ना, इतनी इतनी सी घूट अंदर जाती है, उस तरीके से आपको पानी पीना है। तो ये दो स्टेप आपके हो गए, इनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं गारंटी नहीं लेती 50% रिजल्ट मिलेगा आपको, आधा इंच ही लॉस कर पाओगे, लेकिन ये दो स्टेप फॉलो करते हैं तो पूरा 1 इंच एक दिन में आप लॉस कर सकते हैं। अगर आप इस डाइट प्लान को रिटर्न में चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। तो ये 100% काम करता है क्योंकि मैंने अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है, बिल्कुल इसके 100% रिजल्ट है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको सही से फॉलो करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना आपका रिजल्ट क्या निकला, कितना आपको फर्क हुआ। आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।